तो कुल मिलाकर कौशलेन जी, फिलहाल की स्थिति में तो ये लगता है कि अभी के हालात में कल्याण सिंह कल्याण कर दे पार्टी का, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है, इसी वजह से पार्टी इतनी शिद्दत से याद कर रही है, हिंदू गौरव दिवस मना रही है, फिर तो यही सच्चाई खुलकर सामने आ रही है कौशलेंद्र जी। देखिए बाबूजी, कल्याण सिंह जी हमेशा से प्रदेश का देश का कल्याण किए हैं और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के वो सर्वोच्च नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग जब पिछड़ों की बात करते हैं तो मुझे अंदर से हंसी आती है। जब काका कालेकर समिति की रिपोर्ट 1955 में आई थी तो यही कांग्रेस पार्टी के लोग, जो रिपोर्ट पिछड़ों के हित के लिए था, अगर 1955 में वो चर्चा हो गई होती तो शायद आज देश के अंदर पिछड़ों की स्थिति कुछ और होती, ये रिपोर्ट दबा करके रखे थे। जब जनता पार्टी की सरकार ने मंडल 1955 अभी 2001 का जिक्र हो रहा था यहाँ पर, बात यह है सर, बात यह है सर कि ना इतना समय है कि इतने इतिहास में जाया जाए, ना ये ऐसा मुद्दा है सर जिस पर इतना इतिहास के पन्नों को पलटने की जरूरत है, हम लोगों को आज ही पर रहते हैं, आज ही पर रहते हैं ना सर। आप कांग्रेस पर जा रहे हैं, मैं समाजवादी पार्टी पर आ जाती हूँ, मैं आशुतोष जी के पास लेकर चलती हूँ ना, क्योंकि अभी बीजेपी के सामने चुनौती तो आशुतोष जी की पार्टी पेश कर रही है ना। आशुतोष जी, कौशलेंद्र जी आपको चिल्लाने के लिए नहीं बोला है, प्लीज सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए सर। एक सेकंड आशुतोष जी के पास जाने दीजिए। आशुतोष जी, सवाल ये है कि फिर तो वो जो सियासी बिसात PDA, पी माने पिछड़ा, डी माने दलित, ए माने अल्पसंख्यक, है ना, आपके नेता की तरफ से दिया गया था ये फॉर्मूला, पीडीए वाला फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला जो गठबंधन के नाम पर तो मोहर नहीं लग पाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, वो तो सर फिर उस रूप में सफल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तो बीजेपी खुलकर सामने आ गई है और पिछड़ा वोट पर दावेदारी कर रही है। देखिए रुमाना जी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का नाम देने और उस पर काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। पुण्यतिथि क्यों मनाई जा रही है, अभी खुद ही बताया गया वरिष्ठ पत्रकार ने कि चुनाव आ गया है इसलिए इतनी बड़ी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। असली काम तो तब होता है जब आप उस वर्ग के लिए आपने काम किया हो। मैंने अपने पहली फहरिस्त में कई चीजें बताई जो पिछड़ों के साथ धोखा किया गया है पिछले 9-10 सालों में, किस तरीके से लेटरल एंट्री के नाम पे जो है आरक्षण का कुठाराघात किया गया, किस तरीके से 69,000 भर्तियों के ऊपर एक बड़ा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक कलंक सा लगा हुआ है, रैपिड सर्वे करवा के निकाय चुनाव को किस तरीके से आरक्षण से हटाया गया इसका कलंक लगा हुआ है, नॉट फाउंड सुटेबल, ये एक नई एंट्री भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दी कि पिछड़ों में नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट वाले NFS करके, तो इस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 सालों में काम किया है, 9.5 सालों में। अब बड़े बड़े नेताओं की और खासकर पिछड़े समाज के नेताओं की पुण्यतिथि मना के क्या पिछड़ों का दिल जीत लेंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।